आज हम करने वाले हैं पीटर एटकिंस का स्कैन पीटर एटकिंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फटाफट कॉपी पेन ले लो मैं एक ही बार में बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं चाहता हूँ कि तुम यार एक बार फोकस्ड वे में एक दो चैप्टर्स जो सिलेक्टेड पोर्शन होंगे वो सुन लो और फिर बाद में आगे की वीडियोस में ठीक है क्योंकि बेटर होगा यार बड़ी वीडियोस की जगह पे छोटी वीडियोस इन सब मामले में ना बुक के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनके मामले में ज़्यादा यूज़फुल होती हैं सो so स्टार्ट करते हैं देखते हैं एटकिंस फिज़िकल केमिस्ट्री में जब आप स्टार्ट करोगे तो अच्छा स्टार्टिंग में यार कुछ पॉइंट्स में बता दूँ पॉइंटर्स क्या हैं नंबर वन आप एटकिंस को 11 ट्वेल्थ के स्टूडेंट के रूप में नहीं यूज़ कर सकते सी बोर्ड के लिए और जेई मेन्स के लिए तो बिल्कुल यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं है ये बुक यूजफुल हो सकती है जब आप जेई एडवांस के अच्छे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं बुक 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 वो में बुक में उन बुक में से एक है जिस बुक से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट उठा उठा जो डायरेक्टली यहां से उठाए गए कॉन्सेप्ट क्योंकि यार फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यही सब बुक आई में रेफर की जाती है क्लेडन है एटकिंस ये सब तो आई टीज में और पीटर एटकिंस वो हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स जो जब भी आई में जब भी ये विजिट करते हैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गेस्ट लेक्चर के रूप में तो ये अक्सर बताते हैं स्टूडेंट्स कि उनके लेक्चर में ये सीखा उनके लेक्चर में ऐसे मिला ऐसे डिस्कशंस किए मुझे याद है कि लास्ट टाइम शायद 2014 में, में मेरे शायद 2014 में लास्ट टाइम वो आए थे इंडिया आई टी गुवाहाटी जब मेरे स्टूडेंट ने बताया था रित्विक ने बताया था यस के आ, पीटा हटकिन आए हुए थे उनके साथ डिस्कशन था समथिंग तो और उसके बाद कब आए मुझको याद नहीं है या मुझे पता नहीं है या किसी ने बताया भी होगा तो मुझको याद नहीं है तो यार पढ़ते कैसे हैं मैंने बताया जैसे कि यार सी और मेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है आप जी एडवांस के कुछ अच्छे को कॉन्सेप्ट के लिए सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ कर सकते हो ओलम्पियाड के लिए सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ कर सकते हो करना भी चाहिए जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं जिनके एनालिटिकल स्किल्स वगैरह जिनको लगता है कि वो पढ़ सकते हैं और पढ़ना पढ़ने की आदत तो मैंने बताया देखो आपके साथ आपके पास अगर एक साल है अगर आप 2023 में देने वाले हो 2022 वालों को तो रेकमेंड नहीं करते दो के हैं 2024 के 2025 के 26, 26 27, 27, 27, 27, 27 28 29 30 31 के हैं अगर तो आप बिंदास बुक को पढ़िए अपने टाइम को मैनेज करते हुए और बुक को पढ़ने के लिए पहले एक बार बेसिक्स आपके ठीक ठाक रहने चाहिए बेसिक्स मैं ये नहीं बोला अल्ट्रा प्रो चैप्टर के तो अगर आपको सपोज दैट अभी गैस स्टेट पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई के फ्यूजन डिफ्यूजन के बेसिक्स क्या हैं ग्राम स्लॉ के बेसिक्स क्या हैं रियल गैस के बेसिक्स क्या हैं अल्ट्रा प्रो नहीं भी है तभी पर आप सीख सकते हैं हाँ इंग्लिश भाई ये कोई नॉर्थ इंडिया के लेवल पर नहीं लिखी गई है इंग्लिश मतलब इंडियन लेवल पर नहीं लिखी गई है उनकी अपनी लिखी हुई इंग्लिश है तो उसमें इशूज़ तो आते हैं यार बीच बीच में थोड़ा लैंग्वेज होती है ऐसी बट हाँ यार फिर पीटर साइक्स की लैंग्वेज बड़ी ख़तरनाक है मतलब मुझे लगती है ज़्यादा रिलेटिवली बाकी आप लो तो अंग्रेज लोग तो अंग्रेज़ लोग हो तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा हम तो यार देसी लोग हैं तो हमें उतना नहीं आता है तो बट स्टिल बुक कोई भी पढ़ सकता है अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो ओके सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच अपेंडिक्स वगैरह है मेरे कोई काम के नहीं आपके आगे बढ़ जाइए चुपचाप जाइए चैप्टर चाप कहाँ से स्टार्ट किया जाए ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया वो तो दिखा दो सेक्शन हाँ यहाँ से स्टार्ट है देखो बुक जो है बिल्कुल अल्ट्राप्रो लेवल पे लिखी गई भाई जेई के लिए नहीं लिखी गई ये सब कॉन्सेप्ट के लिए लिखी गई बुक है तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि जेई के लिए बुक है वो वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं खुद को मत सोचिए ऐसा इन्होंने सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं इक्लिब्रियम से रिलेटेड ले जितने डिस्कशंस हैं वो एक साथ है रखे हुए जिसमें आप देख रहे हो चैप्टर गैसेज भी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल मिक्सचर फेस डायग्राम्स केमिकल इक्बरियम फेस डायग्राम वगैरह जो है वो उसका सबसे लो लेवल जो है वो जो एडवांस पर टच करते हैं इग्लुबरी हम तो पता ही आपको सेक्शन ही आपका चैप्टर ही है फिर जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसमें एटमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड डिस्कशंस वगैरह जो आप शॉर्डिंगर्स मॉडल वगैरह देखोगे वो सिलेक्टेड पोर्शंस करना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज है जिसकी कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एडवांस या फिर ओलम्पियाड लेवल तक चेंज के सेक्शन में जो केमिकल रिएक्शन के रेट हैं काइनेटिक्स हैं डिफ्यूजन एफ्यूजन है उन सबका डिस्कशंस है उन सबके डिस्कशन है तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से तो इक्लिब्रियम वाले सेक्शन में देखो हम यहाँ पर हैं द तो परफेक्ट गैस परफेक्ट गैस किस से बोलते हैं रियल गैस को तो उनका डिस्कशन है चलो वहाँ से शुरू करते हैं आज जो है वो परफेक्ट गैस वाले सेक्शन के सिलेक्टेड से पोर्शन में बता देता हूँ कि कैसे तुमको पढ़ लेना चाहिए इक्लिब्रियम वाले में तो जब चैप्टर शुरू होता है तो स्टार्टिंग में ही गैसेस के स्टेट्स को मैथमेटिकली प्रेजेंट किया गया ये बुक पढ़ने जा रहे हो चीज़ें मैथमेटिकल होंगी देखो वैसे भी हायर साइंस जो है वो बहुत मैथमेटिक्स का यूज़ करती है तो तुम ये मत सोचना कि बिना मैथमेटिक्स के हायर साइंस में तुम पढ़ने वाले तुमको इंजीनियरिंग में तुम्हारी अच्छे से लगाई जाएगी ना जब तो डबल इंटीग्रेशन वगैरह वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे तुम्हारी ऐसी लगेगी तो समझ जाओगे कि जिंदगी जो है कितनी झंडे आ गए <laughs> तो <laughs> यहाँ पर डिस्कशन है प्रेशर का पिस्टन मूव कर रहा है और पिस्टन मूव कर रहा है तो आ, किस तरह से प्रेशर इक्वल होता है और हाई और लो प्रेशर रीजन बनते हैं वो सब डिस्कशन है बहुत बेसिक टूची चीज़ें ठीक है सो so, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरह से फॉमूले को चेंज करके प्रेशर को रोज एज दिखाया गया है वो सब बहुत बेसिक बातें हो रही हैं यहाँ पे तो आप बहुत खुश हो जाओगे खिलखिलाओगे हंसोगे अरे हम तो अल्ट्रा प्रो हैं बुक तो आसान पढ़ा रही है लेकिन अब बुक के जलवे आपको ना अक्सर जो मार्जिन में जो ग्राफ्स बने होते हैं ना वो मुझे मेरे फेवरेट होते हैं क्योंकि वो बहुत बेहतरीन होते हैं डायरेक्ट आ चुके रहते हैं जी एडवांस में और मतलब ये वो सेक्शंस हैं देखो इस तरह से येल्लो किया हुआ जो पार्ट होता है जो ग्राफ बनाया हुआ सेक्शन होता है यहाँ से कई बार चीज़ें डायरेक्ट आ चुकी हैं उस पर मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊँगा बताऊँगा बट यार ये ग्राफ्स वगैरह पक्का एडकेंस के देखते रहा करो क्योंकि डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं अब परफेक्ट गैस मैंने अगर कहीं पे रियल गैस बोल दिया था तो उसके लिए सॉरी परफेक्ट गैस का मतलब आइडियल गैस होता है तुम समझ रहे हो परफेक्ट वर्ड बोलने का मतलब क्या है रियल गैस वैसे मतलब मुझको लगता नहीं परफेक्ट तो मैंने क्या बोला था चलो कोई नहीं उम्र एक सौ छप्पन की मान करके <laughs> माफ़ करना तो परफेक्ट गैस यानी कि आइडियल गैस आइडियल गैस हर तरह से परफेक्ट होती है कमियाँ जो होती हैं अगर निकाल दें आइडियल गैस में तो वो रियल बन जाती है है ना रियल गैस इक्वेशन जो पहला था वेंडर इक्वेशन उसको हमने ऐसे दिखावा है अब देखो जब ग्राफ्स बहुत ज्यादा होते हैं ना तो नॉर्मल लोग जो है रिपेल हो जाते हैं ग्राफ से बट देखो अगर आप मजबूत दिल वाले हो कमजोर दिल वाले नहीं हो तो बता दें आपको ग्राफिकल अप्रोच और ग्राफ्स रिलेटेड चीजें ना और ज्यादा आसान हो जाती हैं आसानी से वो क्वेश्चन बनते हैं मेरी नजर में तो तो मुझे मुझे खुद की प्रिपरेशन में याद है इंटीग्रेशन बेस्ड जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते थे ग्राफ बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते थे शुरू शुरू में मुझे मुझे भी डर लगता था फिर मैंने एक बार मुझको याद है कि किसी किसी लड़के को देखा था मैंने उसने बोल दिया था गरे जो क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन वाले वो तो और आसानी से बनते मेरे से फिजिक्स में मुझे चढ़ गई फिर इससे तुझसे बन जाएगा मेरे से नहीं बनेगा <laughs> मुझे वो मोमेंट अभी जस्ट घूम रहा है मेरे माइंड में उस लड़के का नाम वाम नहीं याद आ रहा है बस उसका वो इमेज याद आ रहा है कि <laughs> मतलब ये यार ये जो एज होती है ना कितनी प्यारी एज होती है इस टाइम पर ना फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं टाइम के साथ आप रियलाइज़ करते हो कि दुनिया में लोग कितने कितने बुरे हैं और फिर लोगों से दूरियां बनते जाती हैं इस इस उम्र में हम लोग लोगों के करीब जाने की कोशिश करते हैं और बाद की उम्र में दूर जाने की कोशिश करते हैं तो यार चलो भावनाओं में बह गया मैं सॉरी उसके लिए Indian, भावनाओं में बहते हैं से हम। भाई है। आत्मा, <laughs> <Okay>. hmm. तो <laughs> मेरे इस भाषण को चाइनीज और पाकिस्तानी देख करके क्या सोच रहे होंगे <laughs> <से> होंगे <रहे> <laughs> okay. तो यार इस सेक्शन में यहां पर hmm, ग्राफ्स जो देख रहे हो वो वैसे नॉर्मल ग्राफ्स है जो हम क्लास में पढ़ते हैं बॉयल्स ला चॉल्स वगैरह से रिलेटेड ठीक है और देखो जैसे मेरी आदत भी तुमने देखी होगी एक्स्ट्रा करके दिखाना ग्राफ्स एक साथ तीन चार ग्राफ्स में भी क्लास में ड्रॉ करके पूछते रहता हूँ कि ग्राफ्स में क्या क्या रिलेशन होगा वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं ठीक है सो तो वो सब अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ तो आसानी से पढ़ सकते हो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी अब जो सरफेस वाला पार्ट है देखो ये थ्री में किसी भी ग्राफ को हम तो टू में बनाते हैं ना बट ये बुक हमेशा थ्री में ले जाएगी और तुम्हारी लंका लगा देगी ये लंका लगा देने बीच लंका वाले गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे मुझे बहुत डर लगता है पता है तुमको आजकल लोग ना मतलब आ, दो चीज़ें चलती हैं लोग बहुत जल्दी बुरा मानते हैं बहुत जल्दी खुद के ऊपर ले लेते हैं हंसी मज़ाक करना भी मुश्किल हो जाता है बट मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को बुरा लगे तो यार वो नहीं होना चाहिए मेरी जैसे से बोल तो सकते हैं ना लंका लगा दी मैं हम बोल सकते हैं हम हिंदुस्तानी है। हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं क्योंकि लंका की बात जब भी आती है तो रावण की बात आती है तो भगवान राम की बात आती है तो फिर भाई साहब फिर तो हमें मत रोकिए आप ओके तो ये टू वाले सारे जो है ना थ्री में इस तरह से कन्वर्ट करके इसने ग्राफ दिखाए हुए हैं और कुछ भी मुश्किल नहीं जैसे आप यहाँ पर देखोगे राइट में टॉप कॉर्नर पे तो यार उसने प्रेशर को टू वॉल्यूम वालियम को टू टेंपरेचर प्रेशर को टू डायग्रोशन सब दिखाया हुआ है दैट इज ओके गुड थिंग यून वन बाई एन वन टीवन एस फिफ्ट क्वेश्चन बनाए हुए टुचा क्वेश्चन है कोई काम का नहीं है कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर ड्राई एयर का कंपोजिशन बताया है तुम्हारे कुछ खास काम वाम का नहीं है एल्टीट्यूड के हिसाब से प्रेशर को चेंज होते हुए दिखाया है ठीक है मिक्सचर ऑफ गैसेज वे सेक्शन अच्छा मिक्सर गैसेज वाले सेक्शन में कुछ काम की चीज़ें हैं अभी तक सब बेसिक चीज़ें हैं जो तुमको पता ही थी बस वो तो दिखाया मैंने कि थोड़ा थ्री के सब तुम सब पढ़ सकते हो अभी तक यहाँ पर यहाँ तक जो भी अभी मैंने इस पेज में स्क्रॉल इस चैप्टर में स्क्रॉल किया सब पढ़ सकते हो कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पर सब पढ़ सकते हो मोलिकुल इंट्रेक्शन वगैरह सब पढ़ सकते हो क्योंकि मोलिकुल इंट्रेक्शन मतलब कि वो जो डायपोल इंडियज डायपोल वगैरह सब से रिलेटेड जो डिस डिस जो डिस्कशन है वो आ जाएंगे या सिंपल जो केमिकल बॉन्डिंग में जो सिखाया हुआ है मैंने खुद ही कि ये ग्राफ जो है वो बताता है कि स्टार्टिंग में जब भी दो स्पेस इंटरेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है बाद में जब बिल्कुल न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन बढ़ जाता है तो वो रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है ठीक है अब इस बुक ने जो है वो देखोगे तुम आइडियल गैस हम कितना गैसेज स्टेट चैप्टर हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशंस पहले हम करते हैं आइडियल गैस लॉस पर ग्राहम स्लॉ पर मैक्सफल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पर

आई टीज uh, में पीटर द टेक्स्ट बुक फार मोर रिकमेंडेड केल कपूर केएल कपूर भी है बी लेवल पर केल कपूर ज्यादा है आई में इंजीनियर्स के लिए ज्यादा रिकमेंड ये करते हैं बी लेवल पे केल कपूर का करते हैं है वो उसके भी जलवे हैं बहुत मैंने उससे भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं तो वी एर अच्छा मैं ये बता दूं कि इस बुक की जो सबसे अच्छी बात जो मुझे रीएल वाले सेक्शन में लगती है रियल गैस का सेक्शन ये पूरा जे एडवांस का फेवरेट है और याद रखो जे जैसे इसने पी टेंस टू जीरो दिखाया है ना अकेली ये बुक है जिसने पी टेंस टू ज़ीरो का यूज़ सबसे ज़्यादा किया है फिर के कपूर ने किया हुआ है ब्रुस महान ने भी किया हुआ है ब्रुस महान मैथमेटिकल कम है देखो ब्रुस महान का जलवा अलग है ब्रुस महान भी फिजिकल की बुक है बड़ा प्यार ही बहुत है यार क्योंकि वो ना ज़्यादा फिलोसफिकल ज़्यादा थियोरिटिकल और ज़्यादा ना चीज़ों को ना प्यार से एकदम लुसिड लैंग्वेज में समझाने का तरीका है उसका ज लाइक मैथमेटिकल एंड जो केल कपूर है दैट इज़ इंडियन वर्जन ऑफ एवरीथिंग इंडियन वर्जन होने का मतलब पता है क्या ना हम बाकियों से इसीलिए इसी, इसी मामले में तो बेहतर होते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम हाइब्रिड लोग हैं हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब देखो हाइब्रिड <laughs> का मतलब होता है कि अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट हाईब्रिड एटमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं एटमिक ऑर्बिटल से बेटर होते हैं समझो तो हम बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं मुझे इंडियन होने पर गर्व इसी बात का होता है ना कि हम बहुत शार्प बहुत हैं हम हम हर तरह से शार्प होते हैं पढ़ाई में भी बहुत शार्प होते हैं ख़तरनाक पॉलिटिक्स में भी होते हैं पॉलिटिक्स में भी देख लो जलवे <laughs> तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा प्राउड होता है मतलब मैं मुझे 200 करोड़ बार जन्म दिया जाएगा मैं भारतीय ही पैदा होऊंगा तुमको जो करना कर लो <laughs> तुम लोग सोचते होगे ना क्या नेक्स्ट जन्म तो भगवान यूएस में पैदा करना बहुत सारे रीज़न है सिर्फ पैसा ही नहीं है लड़कों से पूछ लो क्यों पैदा होना चाहते हैं है ना समझ रहे हैं आप <laughs> उस पर करेंगे कई बात बट वीरल क्वेश्चन पे वापस आते हैं यही बात है ना यार मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ तुम लोग जो ध्यान बटा देते हो इधर उधर इस पर फोकस करते हैं देखो सबसे अच्छी बात क्या है पी टेंस टू जीरो का जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इसने सिखाया है और आप शायद 2017-18 का क्वेश्चन देखोगे जेई का दो हज़ार सत्रह ज़्यादा आगे आ गया, गया मैं टू थाउजेंड फोटीन फिफ्टीन के आसपास कोई एक क्वेश्चन आया था मैं देख करके बताऊंगा किसी दिन इतना प्यारा क्वेश्चन था वो इसी के कॉन्सेप्ट से यहीं से पी टेंस टू जीरो वगैरह के डिस्कशंस को उठा के उसने डाला था सिंप्लीफाइड करके वैसे ये पूरा जो पेज आप देख रहे हो ये जो पेज है जो यहाँ से जो बातें स्टार्ट हुई ना वीर कोफिशेंट से बहुत अच्छे डेटाज हैं मतलब यही वो डेटा जो जेई में यूज़ किया जाता है ग्राफ्स का पैटर्न यही यूज़ किया जाता है लैंग्वेज यही यूज़ की जाती है विरल कोफिशेंट विरल इक्वेशन के जितने भी किस्से कहानियाँ पे बताए गए हैं सब पढ़ जाओ अब वैंडर वॉल्स इक्वेशन आया देखो आपने देखा हमारी बुक्स में अपने इंडियन वर्जनस में चीज़ें अलग होती हैं वो वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं ज़्यादा देसी बनाने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ कर दिया गया पढ़ाया।, पढ़ाया दिख रहा होगा आपको हम पहले वैंडर पढ़ते हैं तो, है। तो ऐसा लगता है लेकिन सच्चाई क्या है ना कि देखो वीरल ही इक्वेशन जो है वो हमारा रियल गैस इक्वेशन है आज के टाइम पर और वेंडरवाल तो दिगिनर बेगिनर्स के लिए बेगिनर इक्वेशन है वो ठीक है ओके okay. और ये वो बुक है जिसने एक्चुअली जिससे मैंने पहली बार अच्छे से सीखा कि कैसे वेंडर वेंडरवाल ने अपने इक्वेशन डिराइव किए थे जो मैंने क्लास में अक्सर बताया भी होगा कि कैसे लोग गलती करते हैं लोग सोचते हैं कि जो प्रेशर करेक्शन होता है और जो जो पी होता है ना ये जो पी है यहाँ पर जो पी है ये जो पी है इस पी को लोग सोचते हैं कि वो वही पी है जो पी वी इस टू एन आर टी में होता है जो सही नहीं है ये बात बुक ने यहाँ पर बताई और देखो हर टू डी वाली चीज़ को थ्री डी में कन्वर्ट कर दिया है वेंडरवाल्स अच्छा वेंडरवाल्स वेंडरवाल का इक्वेशन क्यूबिक होता है ना उसे मैक्सिमम मिनिमा लगा करके और ये क्रिटिकल फैक्टर्स क्रिटिकल इक्वेशन क्रिटिकल टेम्परेचर वाला पॉइंट लगा के क्रिटिकल फैक्टर्स रिड्यूस प्रेशर वगैरह के टर्म्स में इक्वेश्स को बनाया हुआ है और सेक्शन को ख़त्म कर दिया है तो क्या इसमें कोई पोर्शन छोड़ने वाला है मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि कुछ भी छोड़ो इस सेक्शन में आप सब पढ़ सकते हो ठीक है सो so, और डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं भाई मैंने जैसे बताया इसी से उठा उठा के चीज़ें सिंप्लीफाई कर करके दी जाती हैं अच्छा आप ये जो सेक्शन है ना तुम इसे लाइट रख सकते हो यहाँ पर जो हाइट के साथ बताया गया बट यार स्टोरी टेलिंग भी अच्छी होती है इनकी साइंस है यार रैपिडली पढ़ जाया करो यार मेरी नज़र में जहाँ पर मैं तुमको स्किप करने नहीं बोल रहा हूँ ना और ये भी बोल रहा हूँ कि यार देखो जेई में इतना कुछ है नहीं देखो अब ये वाला पोर्शन कुछ है नहीं कि जेई में कोई कभी भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया नहीं ये फार्मूला तो हमें ऑलरेडी पता होता सी यहाँ जो है फार्मूला हाइट के साथ कम होने वाला प्रेशर है ना किसी ना किसी तरह से अपने पढ़ लिया होता है केमिस्ट्री नहीं तो फिजिक्स में पढ़ लिया होता है बट यार छोड़ने का नहीं मार दो पढ़ जाओ रेप रैपिडली तुम याद रखोगे तुम बुक की एक एक लाइन जो पढ़ रहे हो ना वो तुम्हारी एनालिटिकल स्किल को और बढ़ा रहा है स्पीड पर जो क्योंकि कहीं टाइम लगेगा सपोज मैंने ये पढ़ा द मशन ऑफ इंडिया पराई प्रेसर हाईक्लॉन्स एंड रीज लो प्रेशर नो शोन एज एच एन एल ऑन द कमिंग वेदर मैप द लाइन ऑफ कॉन्सनट्रेशन डिफरिंग बाई फोर मेकअप हाँ अच्छा फोर हंड्रेड पास कर लो ठीक है दिखाए गए हैं अलग अलग अच्छा ये मैप तो पाकिस्तान का मैप क्यों लगा अच्छा यू एस का मैप कोई भी मैप जब आता है ना अपना इंडिया वाला मैप नहीं रहता है तो पता नहीं क्यों <laughs> इस तरह के मैप ऐसे ही लगने लगते हैं क्या चलो गैस yes, लॉज वाला सेक्शन है uh, इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट सेक्शन में पॉइंट डाल देना ठीक है तुमको किसी पेज से रिलेटेड uh, तुम ऐसा कर सकते हो जब मैं जब तुमने से कोई भी बंदा पढ़ेगा ना ये वीडियो हम मान के चलते कि इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन डालोगे उसमें तुम्हारे जो भी तुम पॉइंट्स पढ़ते हो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट रहेगा जो तुम्हें पूछना होगा तो मैं मानूंगा कि इसी वीडियो को मैं ओपन करके देखूंगा तुम्हारे डाउट्स क्या हैं ठीक है थीके? चलो बत करते हैं इसे ओके okay, इस चैप्टर में कुछ छोड़ने वाला नहीं है जो बोरिंग चीज़ें हैं जो कम आती है अच्छा क्वेश्चन के बारे में यार क्वेश्चन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस बुक के एक्सरसाइज के पीछे मत जाओ एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें कि ना इसके ज़्यादातर चैप्टर के जो क्वेश्चन काम के हैं वो सेलेक्ट करके बता दूंगा बट अभी उस पर टाइम नहीं लगाते हैं ठीक है फिर ट्राई करता हूँ कि कल के दिन जो है फिर एटकिंस के सेकेंड चैप्टर यानी कि ये थर्मोसेलेटेड जो सेक्शन है उसके बारे में बताता हूँ क्या यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं ठीक है ओके बाय लव यू